हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया देखते हैं हॉट टचिंग, दिल को छू लेगा किसके दिल को छुएगा देखते हैं। तो प्योर मीम्स है और इसमें पॉलिटिकल मीम्स देखते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि भैया रिजल्ट आने वाला है तो होपफुली मज़ेदार होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी को आपके अलावे देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? यही तो कयामत है। आप कांग्रेसी हैं? जी हाँ। दिल से क्या लगा, राहुल बनेंगे पीएम? ये देखा था कहीं हमने। तो हंस रहे हैं। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बस तमीज हंसका रहे हो। आगे सुनो, आपकी आज से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लगा? सर जी, हम तो कांग्रेसी हैं, बचपन से ही हैं। बचपन से? हाँ जी, और तो सपोर्ट भी करते हैं। और सपोर्ट करते हैं जी। वोट दे रहे हैं को? सर ये वोट वाली बात, अभी वोट वाली नहीं है, वोट वाली बात। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो पे अखिलेश जी का लग रहा है। सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। अशोक सिंह जी किस मुद्दे पर वोट किया है? विकास। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए आप क्यों परेशान हैं? हम विकास के लिए दिया है। बेचारे भूल गए होंगे, पेंशन पहुंच है ना, वोट चोरी से दिया जाता है ना, बता के दी तो दिया नहीं जाता। मुद्दा पूछ रहे हैं कि महंगाई है, विकास है, तेज है। महंगाई से क्या मतलब, हमारा राम मंदिर बन गया बस। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है। दुख का खत्म नहीं होता बे। ये बेचारा वही चाहता था कांग्रेस का। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में टाइम लगता है। 60 साल कम पड़े, 75 साल कम पड़े। वाह क्या मस्त स्ट्रोक है। 60 साल कम पड़े, 75 साल कम पड़े। मौत होने क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से पहले ना मौत क्यों नहीं आता? रिजल्ट आने के बाद फिर देखना। आने के बाद सवाल तो बनता ही है, ये राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या? भैया हम तो आत्महत्या कर लेंगे। राहुल गांधी को लेके आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो तेल लगाने चला गया। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? है तो क्या हो गया, अब कागज मांगोगे? अच्छा बात नहीं। इमोशनल डैमेज। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, दूजी खा गई। कटा कट। आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी का साथ कर लिया। 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है, कांग्रेस को हरा के तो सरकार बनाई है हमारी पंजाब में। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। गजनी की औलाद। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इनके लोकसभा चुनाव का महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी का। ये पूरा स्किट है उनका। हाँ ये बनाते हैं। बताना इनमें से आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा? मेरा वाला कोई नहीं बोलेगा। मेरा सबसे फेवरेट था कि अगर राहुल गांधी बन गया तो क्या करूंगा, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा था। भैया बंदा है वो इतना दुखी, मतलब
कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई इस टाइप के आदमी को अपना भेज देते। भी नॉलेजेबल थे कि 10 साल में प्रोग्रेस कितनी हुई, जैसे बोला 70 साल में क्या हुई। मैं तो पहले ही बोला तुम 10 बार 10 साल तो हर बार ही बोलते हो, पहले 70 के बता दो फिर चलेंगे। ये जब कांग्रेस बोलती नहीं है, जब कांग्रेस बोलती है कि हम आएंगे तो हम गरीबी हटाएंगे, वो मैंने कहा इतने सालों तक तुमने राज किया था तब तो तुमने क्यों नहीं गरीबी हटा दी थी। चक्कर ये है कि अभी जिन्होंने जो दिखाए थे वो मोस्ट लाइकली जो है मेजॉरिटी में है, मगर जो माइनॉरिटी है उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको टोटल डिफरेंट पिक्चर नजर आएगी, इसीलिए सभी लोग टेंस हैं। और सुनने में आया है कि माइनॉरिटी ने बड़ी सीरियस होकर वोटिंग की है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में वोटिंग की है, मगर जो मेजॉरिटी है उसने नहीं की, तो चक्कर ये है। नहीं पर मैं ये सोच रही हूँ कि अब वोटिंग हो जाए, रिजल्ट अब आने के बाद उसके बाद प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए हर एरिया की, यहाँ पे कितनी कौन सी मेजॉरिटी है, क्या है, कितने लोग उस एरिया में हैं, उसमें से कितने लोगों ने वोट किया और इन लोगों ने किसको वोट मेजॉरिटी में किसने किसको जिताया, उससे पता चलना चाहिए कि लोगों की सोच क्या है माइनॉरिटी एरिया के लोगों की, जहाँ पे अच्छा काम करके उनको चीज़ें दी गई हैं, अगर वो उसके बावजूद रिलीजन बेस्ड फिर भी वोटिंग करते हैं, ये पता करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए उससे पता चले कि भैया इनके लिए अच्छा काम करना भी महत्व कुछ रखता नहीं, भी तो है कि नहीं, सभी के लिए। फिर एजुकेशन की बात आ जाएगी कि अगर आपने सबकी हेल्प की है, माइनॉरिटी की भी हेल्प की है, मगर माइनॉरिटी फिर भी अगर आपको वोट नहीं देता, इसका मतलब समझ नहीं है उसे, तो वो तो एजुकेशन की बात है कि आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा करिए कि उनको लॉजिक समझ आए। दूसरा 65.8% मेरे ख्याल से वोटिंग हुई है, जो इतना अच्छा जबरदस्त नंबर नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग नहीं आ पाते, तो 75-80% अगर हो जाए तो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, 65 तो कम होता है, 65% वोटिंग है। और दूसरा ये है कि देखिए बहुत ही गर्मी में होती है, शायद इवेंचुअली ये भी चूज करना चाहिए कि आप थोड़ा सा जो है वेदर ठीक थोड़ा चेंज कर दीजिए, कुछ भी लॉ लाइए, कुछ भी करिए आप अक्टूबर नवंबर में कर दीजिए, उससे आउटकम होगा। जहां तकलीफ नजर आ रही है इमीडिएटली किसी को करना चाहिए कि भाई अक्टूबर नवंबर में करेंगे वहां आराम से हो जाएगा। नहीं अभी तो जैसे सुनने में आ रहा है बहुत ही मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी है, को बाहर निकलेगा तो वो तो हीट स्ट्रोक से ही मर जाएगा। सितंबर में भी कर लीजिए तो भी सितंबर अक्टूबर कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट आपको करना पड़ेगा कि बिल्कुल पीक ऑफ द समर में ना करिए। में मोदी जी ने ये भी तो सोच रहे थे कि सारे जो भी इलेक्शन होते हैं एक ही टाइम में सब निपटा दिए, ये नहीं कहीं पे कोई इलेक्शन हो रहा है फिर कुछ महीने में कहीं हो रहा है, एक ही बार इलेक्शन हो, सारे देश का काम खत्म, उसके बाद सब एकजुट होकर अपने काम करें, फिर जब इलेक्शन होने हैं वो सबके इलेक्शन फिर इकट्ठे ही हो, वो भी बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है कि उसको करो ताकि रिफॉर्म्स आएंगे। ये भी रिफॉर्म जैसे यहाँ पे अलाउड है कि इलेक्शन जो है एक ही दिन नहीं होते, पहले कुछ आप जाके पूरे हफ्ते जो है पहले अपना वोट डाल के आ सकते हैं, तो जिन लोगों को पहले वोटिंग कर लिए अर्ली वोटिंग है वो अर्ली वोटिंग का मैकेनिज्म हो कि अर्ली वोटिंग वाले कई है, देखिए एक तो होते हैं जिनको गारंटी है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में मोदी को देंगे, उनको तो हम जब बोलो मोदी जी को दे आएंगे, तो वो अर्ली कर देते हैं थोड़ा कि एक दो हफ्ते आप अर्ली कर दीजिए कि आप जाइए वोट, वो तो गारंटी है कि हम तो दे ही रहे हैं, तो वो भी कुछ तो धीरे धीरे आएगा। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई आ नहीं पाया उस दिन तब क्या होगा, तो उससे होगा कि 4-5 दिन तुम्हारे पास हैं, अगर तुम आज नहीं आ सकते एक दिन पहले आके अपना वोट डाल के चले जाओ। वो भी आइडिया अच्छा है। और इसमें एक और वो बड़ा मजेदार था कि मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ, भैया तुम्हारा बेटा लेना कौन चाहता है, वो तो पॉइंट है सारा। आप लेना चाहते हो, हम तो नहीं लेना चाहते। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।